मेरे YouTube चैनल को, जिसमें मैं आपको अभी ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी बुक अपलोड कर चुकी हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो अभी आज की जो मेरी बुक है, पहला पार्ट है जो बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, वी आर नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, ये जो है दीपक बजाज सर के द्वारा लिखी गई है। और मैं बता दूं, ये बेस्ट सेलर है, नंबर वन बेस्ट सेलर। ये बुक बहुत पहले, बहुत सालों से लॉन्च हुई है। इसका मैं जो न्यू वर्जन आया है वही आपको बताने वाला हूँ, पूरी इसकी ऑडियो बुक शेयर करूंगा आपसे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो नेटवर्कर हैं आपके साथ में, या जिनको आप जानते हैं कि उनको जरूरी है, तो उनको आप ये ऑडियो बुक शेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ पहले, जो क्योंकि ये पूरा न्यू वर्जन है, तो इसमें कुछ न्यू तरीके से इसमें कुछ और जो है प्रिंट होके आया है, तो उसको स्टार्ट करता हूँ। यह पुस्तक हर उस मनुष्य को समर्पित है जिसने सपने हैं और जो अपने सपनों को असलियत में बदलने के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध है। नए संशोधन का परिचय। आपने अपने हाथों में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में नंबर वन बेस्ट सेलिंग पुस्तक का उन्नत और अपडेट्स हिंदी संस्करण थामा हुआ है। इस पुस्तक की मदद से विभिन्न उत्पादों और आय योजनाओं के साथ सभी अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने अपनी आय में कई गुना वृद्धि की है, कई बार अपना व्यवसाय बढ़ाया है। सभी सफल टीमें इस पुस्तक का उपयोग एक आवश्यक गाइडबुक के रूप में कर रही है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों और उपकरण का उपयोग करके बड़े व्यापारिक साम्राज्यों का निर्माण कर रही है। इस पुस्तक में नए अध्याय और नए टूल्स जोड़े गए हैं, क्योंकि मैं अपने पाठकों और सीरीज पर देखना चाहता हूं, उनके सपनों को जी रहा हूं और चाहता हूं कि वे रिकॉर्ड समय में अपनी कंपनी के शीर्ष उपलब्धि पाने वाले में शामिल हो जाएं। मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पुस्तक आपके जीवन में कम से कम 6-8 कीमती वर्षों को बचाने में मेरी कोशिश की। मैंने 12 साल से अधिक समय तक अपने हृदय और आत्मा के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। मैंने आय और उपलब्धि के नए रिकॉर्ड बनाए, उन्हीं सिद्धांतों, टूल्स और तकनीकों का उपयोग करके हजारों उपलब्धियों का निर्माण किया, जो अब इस पुस्तक के रूप में आपके हाथों में है। अब आपका समय है, यह आपका क्षण है। इस पुस्तक में दी गई सफलता प्रणाली का पालन करें। आपने सभी साथियों को इस पुस्तक को दें और शीर्ष पर पहुंचने तक रुकना मत। मैं आपके साथ हूं, आपकी सफलता का साथी, दीपक बजाज। और इसके बाद पाठक इस पुस्तक के बारे में क्या कह रहे हैं, इसके इस पुस्तक के ऊपर कुछ कमेंट्स हैं, तो कुछ कुछ बता देता हूं, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत सारे हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जो है इसमें जो स्किल दी हुई है उसको सीखना है, तो उसको मैं बताऊंगा। अभी कुछ कुछ ये भी कवर कर देता हूं। प्रत्येक डायरेक्ट सेलर, हर वो इंसान जो करोड़पति बनने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता हासिल करने के तरीकों पर सबसे अच्छी किताबों में से एक है। अपनी टीम के साथियों को बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध बनाने के लिए एक आदर्श उपहार है। उत्कृष्ट किताब, सबको जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, लेकिन इस पुस्तक के हर पृष्ठ जैसी कमाल की संरचना और जानकारी कभी नहीं आती। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता के लिए कमाल का टूल है, करोड़पति बनने के लिए अवश्य गाइड है। यह किताब गीता जैसी पवित्र है। यह सफलता पाने के लिए सही मेहनत करने वालों के लिए एक गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करती है। बहुत बढ़िया किताब। नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर रूप में ले रहे किसी को भी यह पढ़नी चाहिए। जीवन को बदलने वाली किताब। यह पुस्तक न केवल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, बल्कि हर इंसान को अपने आप को, अपने हालातों को, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का तरीका सिखाती है। अब इसके बाद आगे आता हूं मैं। यह पुस्तक आपके लिए क्या कर सकती है। आपकी जिंदगी अचानक से बेहतर नहीं बनती है, बदलाव से बेहतर बनती है। जिम रॉन। प्रिय पाठक, आपने जीवन और व्यवसाय को बदलने के लिए इस पुस्तक को चुनने के लिए बधाई। इससे पता चलता है कि आपके सपने और आप उनके बारे में गंभीर हैं। यह पुस्तक शक्तिशाली और समय की कसौटी पर खरे उतरने का ज्ञान से भरी है, जो इतने सालों में हजारों लोगों के जीवन को बदल चुकी है। इस पुस्तक में शामिल ज्ञान, उपकरण, तकनीक और सिद्धांत पहले ही हजार करोड़पति बना चुके हैं। अब आपकी बारी है। चाहे आप एक पेशेवर हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, व्यवसाय के स्वामी, सेवानिवृत्त हो, व्यक्ति या कोई भी हो, यह पुस्तक आपके सपनों के लिए एक व्यावहारिक और चरणबद्ध मार्गदर्शिका है। इस पुस्तक का उपयोग एक शब्दकोश या नेटवर्क मार्केटिंग के दिवस कोर्स की तरह करें। इसे एक पूरी तरह से पढ़ लें। हर बार जब भी आपको किसी चीज के लिए समाधान की आवश्यकता हो, तब फिर से पढ़ें। यहाँ दिए गए सिद्धांत और तकनीक दुनिया में हर जगह, हर उत्पाद, हर कंपनी, हर आय योजना के लिए काम करेंगे। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी आपका उत्पाद है या सेवा, जो कभी भी आपकी टीम है, बस इन सिद्धांतों का उपयोग करें, वहाँ एक टॉप परफॉर्मर बने। वास्तव में सफलता का कोई रहस्य नहीं है, लेकिन सफलता के लिए एक प्रणाली है। कुछ भी करने से आपको सालों की मेहनत, प्रेरणा, प्रतिबद्धता के बावजूद परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन केवल सही तरीके से यही चीज करने से आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। यह पुस्तक आपको रिकॉर्ड समय में आपके व्यवसाय में भारी सफलता के लिए सिद्ध प्रणाली सिखाएगी। मैं एक तत्व को जानता हूं कि सपने देखने वाले लाखों लोग जो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक सही अवसर, सही प्रशिक्षण, सही मार्गदर्शन की तलाश में हैं। मैं भी उनमें से एक था, एक साधारण लड़का, मध्यवर्गीय परिवार, जो एक छोटे शहर में रहता था, जो इसे जीवन में बड़ा करना चाहता था। मुझे ये तीन चीजें मिली, सही अवसर, सही प्रशिक्षण और सही कोचिंग।
इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं इसे अपने जीवन में भगवान का उपहार मानता हूँ। अब समय आ गया है कि समाज को कुछ वापस दूं। ये मैं तब कर पाऊंगा जब मैं दुनिया भर के करोड़ों लोगों की उनके सपने पूरे करने में मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया में को वो सारी चीजें बताऊं जिनकी वजह से मुझे असीमित खुशी और वित्तीय प्रचुरता पाई। इस पुस्तक के जरिए मैं पूरी दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पुस्तक को लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था, दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालना और लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक जो भी सीखा उसे इस पुस्तक में पूरा का पूरा शामिल करने का भरपूर कोशिश की है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य आपको अपनी उपलब्धि से प्रभावित करना कदापि नहीं है। मैं सिर्फ आपके दिलों में एक सत्य को स्थापित करना चाहता हूँ कि हम जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे हम करने का निर्णय लेते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर अपना नाम कमाएं, अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया भर के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम सब में सपने, प्रतिभा या क्षमता होती है जो चाहे उसे पूरा कर लें, पर हमने स्वयं को कैद कर रखा है, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है और निमंत्रण भी दे दिया है। इसके लिए आज एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ हूँ। अपने पंख फैलाइए, नए कौशल सीखिए, नई चीजें करने की कोशिश कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगहों में घूमिए, नए इनवाइट्स में शामिल होजिए, चीजों को नए ढंग से करने की कोशिश करें। किसको क्या पता आपकी जिंदगी में कब कोई नया मोड़ आ जाए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में नहीं भी हैं, तो भी इस किताब में सिखाई गई बातों को आपको प्रेरित और सशक्त करनी करेंगी ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर लें। अगर आप पहले से ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर आप अगले 3-5 साल में मिलियनेयर नहीं बनते तो इस काम को करने का कोई लाभ नहीं है। यह पुस्तक आपको सब कुछ देगी जो आपको एक मिलियनेयर बनाएगा। जिस चीज को हम आज हासिल कर सकते हैं उस चीज को पाने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार क्यों करना। दीपक बजाज। दुनिया से मेरा यह सवाल है कि इंतजार क्यों करना, आपको एक ही जिंदगी मिली है। अगर किसी चीज ने 100 से ज्यादा देशों में पिछले 70 सालों में करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा कर दिया है तो आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते। किसी चीज को पाने के लिए 20 से 30 साल का इंतजार क्यों करना जब वह इन 3-5 सालों में कमाई जा सकती है। चीजें हमारी सोच से ज्यादा तेजी से बदल रही है। नौकरियां और बिजनेस की पुरानी अवधारणाएं अब बदल रही है। अगर आप अभी भी इस हेतु कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसे आजमा कर तो देखें। आप भी क्यों नहीं शुरुआत करते, आज ही शुरुआत क्यों नहीं करते। इस किताब का एक गाइड के रूप में इस्तेमाल कीजिए और इसके अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। सारा ज्ञान बेकार है अगर उसका उपयोग सदियों को न किया जाए। हमारे बिजनेस में सही ट्रेनिंग व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। आंकड़े बताते हैं अधिकांश लोगों ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिली पाई। इस किताब के जरिए आपकी एवं आपकी टीम के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग अब आपके हाथों में है। यह पुस्तक आपको दोस्त और पार्टनर है। यह आपको अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। मैं आपको अपार सफलता के लिए अग्रिम बधाई देता हूँ। मल्टी मिलियनर बनिए, अपनी टीम में मिलियनर बनाइए। सफलता में आपका पार्टनर दीपक बजाज। दीपक बजाज की नेटवर्क मार्केटिंग यात्रा। करीब 1000 लोगों के एक छोटे से गांव में पल भरकर आज नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के क्षेत्र में टॉप परफॉर्मर बनना, फिर इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनकर उभरने वाले दीपक ने सफलता के लिए एक लंबा सफर किया। आज दीपक इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि अगर बुलंद इरादे, विश्वास, निश्चय एवं बिना किसी शर्त के कठिन परिश्रम किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दीपक का लालन पालन भारत के हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव जाटू साना में सरकारी कर्मचारी के घर में हुआ। माता पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार विभिन्न स्थानों में रहा। दीपक ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा पूर्ण की और बीकॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से किया। वह किसी बड़े संस्थान से एमबीए करना चाहते थे जिसका अर्थ था कि उन्हें कैट की परीक्षा पास करनी पड़ती। जिस व्यक्ति ने हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो उसके लिए यह परीक्षा पास करना बहुत कठिन है, पर अपने अथक दृढ़ संकल्प से दीपक ने टीए पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नड़ीपाल में एडमिशन पाया। यह संस्थान भारत के 20 प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में से एक है। चलाने के लिए एक साइकिल, फीस के लिए एजुकेशन लोन, माँ के आशीर्वाद एवं सहयोग से दीपक ने वर्ष 2003 में एमबीए पूर्ण किया। दीपक का टीबीएस मोटर्स में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। उन्होंने बहुत सारी जगहों जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली एनसीआर में अलग अलग पदों पर काम किया। अपने विशिष्ट परफॉर्मेंस के कारण वह सिर्फ 25 साल की उम्र में चंडीगढ़, पंजाब, एचपी और जम्मू कश्मीर इलाके के रीजनल मैनेजर पद पर पदोन्नत हो गए। वह इस पद को पाने वाले अपनी कंपनी के सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक थे और अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्ष 2006 में उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के लिए आग्रह किया।
पर वह उससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन 13 महीनों के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग इनवाइट में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया। वह सफल होने के लिए आतुर थे पर उन्हें अपनी नौकरी में समय नहीं मिलता था। उन्होंने अपने अपलाइन से सलाह की और 90 दिनों की एक कार्य योजना बनाई। 90 दिनों के बाद वह संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी कंपनी के रिकॉर्ड हासिल करने वाले लीडर बन गए। फिर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दीपक एक टॉप परफॉर्मर थे पर उन्हें यह नहीं पता था कि किस प्रकार इस बिजनेस को स्थापित किया जाए। वह एक अचीवर थे पर उनके पास अपनी टीम में अचीवर बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए उनका बिजनेस डूब गया। अगले 9 महीने तक उनका परिवार बहुत बुरे वित्तीय संकट से गुजरा पर उन्होंने हार नहीं मानी। सही बुनियाद के साथ बिजनेस फिर से स्थापित किया। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम एवं सिस्टम बनाए जो इंडस्ट्री में पहले किसी ने कभी नहीं सुने थे और वह बिजनेस में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए। सभी को जल्दी एवं आसानी से सफलता मिले इसके लिए उन्होंने भारत का बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल मल्टी क्लायर्स बनाया, जो कि 11 वर्षों से भी अधिक का होने के बावजूद बड़ी संख्या में अचीवर्स का निर्माण कर रहा है। आज व्यापार में कई शानदार वर्षों के बाद दीपक बजाज एक ब्रांड बन गए हैं। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की एक जीवंत हस्ती माना जाता है। उनके सिद्ध सिद्धांतों और तकनीकों के साथ हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उनका व्यावसायिक साम्राज्य उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना भी हर रोज बढ़ रहा है। उन्होंने इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए और एक सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल का आनंद ले रहे हैं, जिसमें उनके पास कई कारें और घर हैं। वह 10 सदस्यों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें उनकी पत्नी डॉक्टर तनिमा और 3 बच्चे सक्षम है, निर्भय एवं प्रशंसा है। वह जिंदगी में वित्तीय रूप से आजाद है। इन्हें घूमना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मैराथन एवं पढ़ना पसंद है। दीपक अभी तक 25 देशों में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता चुके हैं। आज दीपक बजाज नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। वह प्रेरक वक्ता, ब्रेक थ्रू ट्रेनर, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। वह जीवन में अनूठे बदलाव लाने वाले लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हमेशा जबरदस्त भीड़ भाड़ वाले होते हैं। वह एक अग्रणी सोशल मीडिया प्रभावकारी हैं, जिनके वीडियो को हर महीने 3 मिलियन से अधिक बार देखा जाता है। उनका जुनून और जीवन मिशन लोगों को अपनी किताबों, वीडियो, भाषणों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें सशक्त बनाना है। जिन तकनीकों और सिद्धांतों से उन्हें महान सफलता मिली, दीपक का कहना है, उनकी सबसे बड़ी आय वह नहीं जो उनके बैंक खाते में पड़ी है, बल्कि यह अपने लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। वह हमेशा कहते हैं, असली खुशी लोगों को अपने प्रेरणा, कोचिंग और प्रशिक्षण के साथ अपने सपने पूरे करने से मिलती है। दीपक ने लोगों की सफलता को आसान, तेज बनाने के लिए अपना जीवन टूल्स और तकनीकों का विकास करने के लिए समर्पित कर दिया है। आप दीपक और उनके काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.deepakbajaj.biz से पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती, हम दोनों मिलकर महान चीजें कर सकते हैं, मदर टेरेसा। नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी 11 साल की जिंदगी में मैंने इसे हर दिन जिया और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज्यादा पवित्र और लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला कोई तरीका नहीं दिखा। संयोग बस इंडस्ट्री के बाहर के लोगों ने इस बारे में बहुत से विचार हैं, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने यह देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकास उन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण है इसका यह आधारभूत सिद्धांत कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद के बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस में आपका सिर्फ एक काम है, लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करना। जिंदगी का सबसे जरूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैंने यह देखा है कि यह बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जहोजद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। पुस्तक के इस भाग में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्कोप, भविष्य के आंकड़े, इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस के इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाएं क्यों लोग इस बिजनेस की ओर खींचे चले आते हैं और कौन से काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस बिजनेस को करने के विज्ञान पर जाएं, चलिए इस बिजनेस को करने की आधारशिला बनाएं और इसमें सफलता के लिए सही मानसिकता बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न लोग डायरेक्ट सेलिंग, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजिंग एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादों या सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के जरिए होता है। इसमें जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल कर संतुष्ट हो जाता है तो वह अन्य लोगों को भी इस प्रयोग की करने की सलाह देता है। कुछ लोग उसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे उपभोक्ता बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इतिहास और वैश्विक परिपेक्ष। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ था। अपने विभिन्न गुणों, लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया।
फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिका डॉलर का कारोबार किया। पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है। कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भारतीय परिपेक्ष। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है, आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक प्रयोग भारत में करीब 80 के दशक के बीच में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स भारतीय मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही, साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम्स इस बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती हुई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की, एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की, ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को अपार वृद्धि मिले। फिक्की इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस इंडस्ट्री से संबंधित कई रिपोर्ट्स फिक्की की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की, तब से इंडस्ट्री को काफी फायदा है। फिक्की और KPMG के हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इससे करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है और इसमें सभी लोगों के लिए काफी अवसर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपको चाहे जो भी मुख्य कारण हो, आप अगर एक बार इस बिजनेस की सफलतापूर्वक सही आधारशीलता और सिस्टम के साथ बना लेते हैं तो एक साथ कई लाभ पा सकते हैं, जैसे अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, वित्तीय आजादी, अमीर होना, परिवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपना बॉस स्वयं होना, कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों का मकान या बंगला बनाना, आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, आलीशान कारों को खरीदना, नाम और पहचान, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना, अपने पसंद की लाइफस्टाइल, आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व में निखार, एक अच्छे समाज देश की बेहतरी के लिए काम करना, जल्दी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, नए लोगों से मिलना, नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषता। इस इंडस्ट्री के कुछ प्रमुख विशेषता है जो लोगों को आसान और आकर्षक लगती है, फलतः वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं। पहला, कम प्रवेश लागत, कम एंट्री कॉस्ट। यह बिजनेस कुछ उत्पादों या कुछ सेवाओं को खरीदकर शुरू किया जा सकता है जो हम संभवतः कहीं और से खरीदते हैं। आप यह बिजनेस एक उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हैं। दूसरा, शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट। आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर ही इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया था। आप इसके उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं तो असल में इसकी एग्जिट कॉस्ट जीरो है। तीसरा, व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा, जीरो सेटअप कॉस्ट। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ऑफिस, स्टाफ, कार्यशील पूंजी या किसी अन्य फिक्स कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होती। चौथा, परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी, उधार, पेमेंट, पैसे फंसाना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, कर्मशील पूंजी। पांचवा, आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे। छठवा, सिस्टम सपोर्ट। आपको एक ऐसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलेगी जिसने पहले ही हजारों लोगों को अचीवर बनाया है। सातवा, कम निवेश। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी सी शॉपिंग ही करनी होती है। आठवा, ऐसे साथी मिलेंगे जो आपको सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। नौवा, सारा परिवार मिलकर यह बिजनेस कर सकता है। दसवा, अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। 11. निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने की संभावनाएं। मेरी जानकारी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आसानी और बहुत अच्छी तरह से कमा सकता है। 12. जो लोग पहले से ही सफल हैं, उनसे जानकारी और ट्रेनिंग मिलना। 13. जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा, जिससे आप एक अलग व्यक्ति बन सकते हैं। 14. हर किसी के लिए समान अवसर, यहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो किसी भी आयु, शिक्षा, लिंग, स्थान, वित्तीय पृष्ठभूमि या धर्म से संबंध रखता हो। 15. टैक्स लाभ, इसमें अन्य बिजनेस की तरह है।
तो इस तरीके से मैंने अभी तक ये यहाँ तक बुक शेयर की है। इसके बाद है लोग असफल क्यों हो जाते हैं, तो इसको मैं दूसरे जो है दूसरे एपिसोड में बताऊंगा पार्ट टू में, तो उसका आप इंतजार कीजिए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड, थैंक यू।